वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्या हुआ जब दिल्ली के सीलमपुर में एक मुस्लिम व्यक्ति ने तोड़ना चाहा महादेव भगवान शिव का शिवलिंग, फिर जो हुआ उसे देख सबकी आंखें फटी रह गई। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव के शिवलिंग को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से एक लोटा जल भी शिवलिंग पर यदि चढ़ा दे तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है, और यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग को तोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है, आप आज इस वीडियो में देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इसी तरह की अनसुनी और सच्ची घटनाओं से जुड़े वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात आज से बहुत समय पुरानी है, जब सीलमपुर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ बड़े प्रेम भाव से रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर समाज में एक बंदा ऐसा होता है जो पूरे समाज को गंदा कर देता है, और उन्हीं लोगों के बीच ऐसा ही एक लड़का था, नियाज। दरअसल ये वाकया दो लोगों के बीच हुए प्रेम प्रसंग की वजह से घटित हुआ, जिनका मजहब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। वहीं का रहने वाला सौरभ नाम का लड़का मुस्लिम लड़की शबनम से प्यार करता था। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि वो बिना शादी किए एक दूसरे को पति पत्नी मान बैठे। वहीं सौरभ के प्यार में दीवानी हुई शबनम ने बिना शादी किए उसका धर्म तक अपना लिया। उसने नमाज पढ़नी छोड़ दी, जिसके चलते उसके घर वालों को उस पर शक होने लगा। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर नमाज पढ़ने वाली बात को टाल देती। एक बार सावन महीने में शबनम घर से दूर शिवजी के मंदिर में जा रही थी। उसे चोरी छुपे जाते देख शबनम के पिता को उस पर शक हुआ और वो उसका पीछा करने लगे। जब शबनम को उसके अब्बू ने शिवजी की पूजा करते देखा तो वो हैरान हो गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही शबनम शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगी तो इतने में उसके अब्बू बड़े से पत्थर से शिवलिंग को तोड़ने लगे। गुस्से में आग बबूला शबनम के पिता ने काफी देर तक शिवलिंग पर पत्थर मारे, लेकिन शिवलिंग पर जरा सी खरोच तक नहीं आई। ये देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए, शबनम के अब्बू को मारने पीटने लगे। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचे। वो घर जाकर कुछ करते उससे पहले ही शबनम ने अपनी अम्मी को सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद शबनम के अब्बू ने फैसला किया कि शबनम की शादी जल्दी ही अपने समुदाय के किसी लड़के से करा देंगे। शबनम ने सौरभ को उस दिन की सारी सच्चाई बताई और अपनी शादी करवाने वाली बात को भी बताया, जिसके बाद दोनों ने फैसला लिया कि अब वो शादी पक्का करेंगे। लेकिन अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो भागकर या फिर घर वालों की मर्जी से। सौरभ ने अपने घर में शबनम के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि वो हिंदू धर्म को मेरी वजह से मानने लगी है, वो पूजा पाठ भी करती है। ये बात सुनकर सौरभ के घर वालों को काफी गुस्सा आया और उसके बाद लड़ाई झगड़ा करने लगे। सौरभ की माँ ने कहा कि हमारा बेटा इकलौता है, अगर इसे वो लड़की पसंद है तो हमें भी इसकी खुशी में शामिल होना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि क्या धर्म है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। काफी दिनों तक सौरभ और उसकी माँ ने उसके पिता को शादी के लिए मनाने की कोशिश की, आखिर में एक दिन वो भी मान गए। उसके बाद सौरभ के घर वाले शबनम के घर रिश्ता लेकर गए, लेकिन शबनम के पिताजी ने काफी विरोध किया और उन लोगों को अपने घर से भगा दिया। सौरभ और शबनम को लगने लगा कि उनकी शादी नहीं हो सकती। अब धीरे धीरे शबनम के पिता की तबीयत खराब होने लगी, जिसके कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। वहीं माँ भी उम्र के साथ कमजोर पड़ती जा रही थी। ऐसा शबनम के पिता के साथ उस दिन से होना शुरू हुआ जिस दिन से उसने शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया था। अब उसे भी समझ आने लगा था कि ये सब महादेव की वजह से हो रहा है। अचानक से तबीयत खराब होना, सारे धंधे में नुकसान होना, वो चार पाई पर पड़ गया, तो वो महादेव से अपनी गलती का पश्चाताप करने लगा। लेकिन शबनम के पिता ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसी दिन से उसे वही शिवलिंग सपने में रोज दिखाई दे रहा था। इसके पीछे क्या कारण है उसे समझ नहीं आ रहा था। समय ऐसे बीतता गया कि उनकी हालत और हालात दोनों ही बद से बदतर हो गए। अपने अब्बू की ऐसी हालत देख एक दिन शबनम महादेव के मंदिर में गई और अपने पिता की गलतियों की माफी मांगी। शबनम को इतना परेशान और रोते हुए देख मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, बेटी क्या समस्या है जो तुम रोज आती हो और मंदिर के अंदर रोती हो? महादेव तो रोते हुए को भी हंसते हुए भेजते हैं, तुम तो रोती आती हो, रोती ही जाती हो, आखिर क्या समस्या है तुम्हारी? काफी जोर देने पर शबनम ने पुजारी को सारी सच्चाई बताई और शबनम की बात सुनकर पुजारी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पिता ने घिनौना पाप किया है, उसकी माफी तो उसे महादेव ही देंगे, लेकिन तुम्हारी तकलीफ देखकर मैं ये गंगा जल दे रहा हूँ, जिसे अपने पिताजी और माता को पिला देना। घर जाकर शबनम ने पिताजी और माता को सारी बात बताई और ये देखकर शबनम के पिता ने गंगा जल पीने के बजाय फेंक दिया, लेकिन शबनम की माँ ने पी लिया।
कुछ दिनों तक शबनम रोज मंदिर जाती और गंगा जल लाती, लेकिन उसका पिता गंगा जल नहीं पीता, जबकि माता रोजाना गंगा जल पीने लगी। एक दिन वो स्वस्थ हो गई, लेकिन उसके पिताजी की हालत बिगड़ती चली गई। एक दिन जब शबनम के अब्बू शबनम से पानी मांग रहे थे, तो शबनम ने उस पानी के गिलास में गंगा जल डालकर अपने अब्बू को पिला दिया। दोस्तों यकीन नहीं करेंगे आप, मात्र 2 दिन के अंदर ही शबनम के अब्बू पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। जब शबनम के अब्बू को इस बारे में पता चला तो वो रोने लगे। भागे भागे महादेव के मंदिर में गए, जहां उसने महादेव के शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। वो शिवलिंग के पास बैठकर रोने लगे, अपनी गलतियों की माफी मांगने लगे। एक साल बाद शबनम की माता ने शबनम का विवाह उसके पसंद के लड़के सौरभ से करा दिया, और अब तो शबनम के माता पिता भी हिंदू धर्म के भगवानों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं, शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबको दिलों का सुरूर मिलता है, जो भी जाता है भोले के द्वार कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दे हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।